एस्ट्रो कमल के सभी प्रिय दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की जय, भगवान गणेश की जय। दर्शकों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने वो बातें लेकर जो YouTube पर कोई नहीं करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं रोज आपके लिए कोई नए नए उपाय लेके आता हूं, जो आपके जीवन को खुशहाल बनाए, जो आपके जीवन में खुशियां बिखेरे, आनंद दे, आपके जीवन को परिपूर्ण करे। परंतु एक बात उसमें है कि कोई भी उपाय आपके लिए काम करे उसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। यदि वो शर्तें आप फॉलो नहीं करते हैं तो मेरे क्या किसी के भी बताए हुए उपाय जो एस्ट्रोलॉजिकल है, ज्योतिषीय है, जो तांत्रिक है, मंत्रों से संबंधित है, यंत्रों से संबंधित है, जो वास्तु से संबंधित है, वो आपके लिए काम नहीं कर सकते, किसी के लिए भी काम नहीं कर सकते यदि वो उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें ये बातें, दो चार बातें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका आप खास ख्याल रखें, तब ही आप किसी ज्योतिषीय उपाय में सफलता हासिल कर सकते हैं, वो उपाय आपके लिए काम कर सकता है मित्रों। तो वो उपाय क्या है? उपाय के काम करने के लिए पहली शर्त यह है कि आप मातृशक्ति का हमेशा सम्मान करें, नारी शक्ति का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि जब भी इस संसार में कुछ उत्पन्न होता है तो वो नारी शक्ति के द्वारा ही इस संसार में प्रकट होता है। कोई भी नई चीज, जैसे आपके उपाय से नया फल पैदा होगा, तो वो नारी शक्ति के बिना संभव नहीं है। नारी शक्ति प्रकृति की परम शक्ति है, इसलिए आपको उन उपायों में नारी शक्ति का सम्मान सबसे ज्यादा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको अपने आप को प्रकृति के अनुसार रखना चाहिए। यदि आप प्रकृति के विपरीत चलते हैं और प्रकृति के अनुकूल नहीं है तो कोई भी उपाय आपके लिए काम नहीं करता, क्योंकि आप जितने भी उपाय करते हैं वो सब उपाय आपकी प्रकृति से संबंध रखते हैं, परमात्मा से नहीं। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। परमात्मा से नहीं इसलिए क्योंकि परमात्मा की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका आप उपयोग करते हैं और उसका आपने उपयोग नेगेटिव किया है कि पॉजिटिव किया है, ये आप पर डिपेंड है। परमात्मा उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो सिर्फ आपको ऊर्जा देते हैं। उस ऊर्जा का आपने किस प्रकार से उपयोग किया है ये आप पर निर्भर है, और उन जो उपयोग आपने किया उस उपयोग के आधार पर आपके कर्म बनते हैं, कर्मों के फल बनते हैं। लेकिन उन उपायों में जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी सहभागी, क्योंकि आप उपाय करोगे इस पंचभौतिक शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तो जो भी ये है अष्टधा प्रकृति, वो प्रकृति आपको संचालित करती है। तो प्रकृति आपको संचालित करती है तो आपको प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। यदि आप प्रकृति के प्रतिकूल होकर के कोई उपाय करते हैं तो प्रकृति आपकी सहभागी नहीं बनती। प्रकृति को आपसे कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी पैदा होता है वो सब प्रकृति पैदा करती है। अपना सीना चीर करके हम लोगों के लिए अनाज उगाती है, अपना सीना चीर करके हम लोगों के लिए फल उगाती है, पुष्प उगाती है, बहुत सारी चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में काम की होती है सब हमको प्रकृति देती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि प्रकृति हमसे मांगती कुछ नहीं, वो अपना नियम खुद बनाती है, अपना सिस्टम स्वयं सेट करती है। प्रकृति बारिश करती है, प्रकृति सर्दी गर्मी सब, बसंत शिशिर आदि सारी ऋतुएं वो खुद स्वयं निर्मित करती है, उसको आवश्यकता नहीं आपकी। आप प्रकृति में कोई सहयोग नहीं कर सकते, बस एक मेहरबानी कर सकते हैं कि प्रकृति को संयमित रहने दीजिए, उसमें तोड़फोड़ मत मचाइए। प्रकृति जैसा चल रही है वैसा उसको चलने दीजिए, उसके अनुकूल यदि स्वयं बनते हैं। आप यदि प्राकृतिक स्थलों पर जाते हैं तो आपको शांति मिलती है, क्योंकि प्रकृति अपने में ही मस्त रहती है। तो आपको भी अपने में ही मस्त रहना है, प्रकृति के अनुकूल चलना है। दूसरा उपाय
उपायों का दूसरा उपाय यह है। तीसरी बात यह है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। जब तक आप किसी उपाय को फॉलो कर रहे हैं तब तक आपके हाथ से कोई ना कोई दान होना जरूरी है। यदि आप दान नहीं करते हैं, किसी को देने में आप हिचकते हैं, किसी को भोजन कराने में हिचकते हैं, लेने ही लेने की आपकी इच्छा रहती है, तो फिर कोई उपाय इस संसार का आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जिस प्रकृति में हम रहते हैं उस प्रकृति का काम देना ही देना है। अभी मैंने बताया था किस तरह से अपना सीना चीर करके प्रकृति हम लोगों को अनाज फल फूल देती है, तो प्रकृति से हम संयम तब स्थापित कर पाते हैं जब हम भी प्रकृति के अनुसार कुछ देने की आदत अपने भीतर डालें। यदि हम दान पुण्य करने की आदत अपने भीतर पैदा कर लेते हैं भाव से, इसलिए नहीं कि महाराज जी ने उन्होंने बताया है कि पंडित जी ने उन्होंने बताया है कि शनि का ये उपाय इसलिए ये करना पड़ेगा कि राहु का उपाय इसलिए करना पड़ेगा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी स्वेच्छा से दान होना चाहिए। आपका जो जो दान आप करें वो आपके भाव से होना चाहिए। इसलिए भाव से आप हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करते रहा कीजिए, दान करते रहा कीजिए। इससे उपाय जो है, कोई भी उपाय आप करोगे तो वो आपके लिए जल्दी काम करेगा। आखिरी बात, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप किसी उपाय को करते हो तब तक आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ये अलग लगेगा आपको, हाथ इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि जिस समय आप किसी उपाय या किसी मंत्र आदि का पालन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जैसे आपने कोई 42 दिन का उपाय शुरू किया है या फिर कोई मंत्र जाप शुरू किए हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपके भीतर एक विशेष प्रकार की एनर्जी संचरित होती रहती है। अगर आप अपना हाथ किसी दूसरे के हाथ में देते हैं तो उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा टकराती है, आपकी ऊर्जा से कोई अन्य ऊर्जा टकराती है। तो जैसे कभी कभी दूध से नींबू टकरा जाए तो दूध फट जाता है, उसी तरह से आपकी ऊर्जा से यदि किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा टकराए तो आप जो मंत्र जाप करते हैं उसमें विघ्न बाधाएं भी पैदा होती है। आप जो यांत्रिक उपाय करते हैं, तांत्रिक उपाय करते हैं, तो उसमें विघ्न बाधाएं भी पैदा होती है, आपको परेशानी भी हो सकती है, आपका उपाय निष्फल भी हो सकता है। तो मित्रों, इन चार बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। एक तो मैंने बताया, तो नारी वर्ग का सम्मान करें। स्त्री वर्ग से कोई गलती भी स्त्री वर्ग ने कर दी है तो आपको चाहिए कि स्त्री वर्ग को क्षमा करें, उनसे झगड़ा ना करें, निकल जाए। दूसरा मैंने बताया कि आपको अपने आप को प्रकृति के अनुरूप बनाना चाहिए, अधिक से अधिक प्रकृति के अनुरूप बनाने में ऐसा है कि आपको जैसे भूमि पर शयन करना चाहिए, जैसे प्रकृति काटने में विश्वास नहीं रखती, बढ़ाने में विश्वास रखती है। तो जब तक आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे जो भी वैदिक मंत्र है उनमें तो ये विशेष ही बनता है, जब तक आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तब तक आपको नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए, बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए, अपने सर के जहाँ चुटिया आती है वो बाल नहीं कटवाने। शौर्य क्रम के लिए आप जैसे स्वयं जैसे कोई जैसे दाढ़ी बनाते हैं उसका तो चलो कोई बात नहीं, आप शौर्यकार की दुकान पर जा करके शौर्य क्रम नहीं करवा सकते। और उस जहाँ अगर स्नान की व्यवस्था हो कहीं, जैसे कोई नदी वगैरह हो तो आप कोशिश करें कि नदी में, तालाब में आदि में ही अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्नान करें, और जितने भी ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है उनके अनुरूप चलने का आप प्रयास करें। ठीक है, तीसरी बात मैंने बताई दान करना चाहिए, और चौथी बात मैंने बताई कि आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अपने जो अपना हिंदुस्तान में जो भी धर्म पैदा हुए हैं उनमें हाथ मिलाने का रिवाज ही नहीं है। ये हाथ मिलाने का रिवाज तो आपको विदेशों से प्राप्त हुआ, अंग्रेजों से प्राप्त हुआ है, उन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में हाथ मिलाने का रिवाज पैदा हुआ है। पहले अपने देश में तो स्वामी विवेकानंद जी ने तो नमस्कार की खोज की थी, वेदों से लेकर आए थे, नमस्ते की खोज उन्होंने की थी, वेदों से लेकर आए थे। तो अपन राम राम कर लेते हैं, गाँवों में कहीं भी जाओगे तो बड़े बूढ़े लोग राम राम करते हैं, तो उसका कारण ये है कि आपकी ऊर्जा किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा से टकरानी नहीं चाहिए। इसलिए सब वो अपने जो भी मंत्रवेता ऋषि मुनि थे, बड़े मनीषी थे, बहुत मनोवैज्ञानिक थे, उनको सब चीज़ का पता था बारीकी से,
इसलिए उन्होंने हाथ मिलाने का रिवाज अपने देश में बनाया ही नहीं, अपने देश में नमस्कार का रिवाज बनाया और पेड़ छूने का रिवाज बनाया। उसमें तो गहरा साइंस है, तो पेड़ छूने का रिवाज बनाया, हाथ मिलाने का अपने यहाँ कोई रिवाज नहीं। चलो मैं ये नहीं कहता कि आप कभी मत मिलाइए, आप मिलाइए, लेकिन जब तक आप किसी उपाय को कर रहे हैं तब तक आप किसी से हाथ मत मिलाइए, ये आपके उपाय के सफल होने के लिए आवश्यक। तो मित्रों ये चार बातें जो है वो YouTube पर कोई नहीं बताता या कहीं भी कोई बताता नहीं, सीधा उपाय बता देते हैं आप ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर ले हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। करना तो नियम तो आपको पालन करना ही पड़ेगा, नियम के बिना कोई चीज़ कभी कुछ नहीं कर सकती, ना कोई फल देती है ना कुछ हो रहा है। तो ये नियम तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, यदि इन नियमों का आप फॉलो करेंगे तो पूरा जैसे संभावना है कि उसमें आपको सफलता मिले। सबसे मुख्य बात जो है, जब तक आपको किसी उपाय में विश्वास और श्रद्धा पैदा न हो तब तक आप उपाय शुरू ही मत कीजिए, क्योंकि कोई भी उपाय हो, चाहे तंत्र का हो, मंत्र का हो, यंत्र का हो, किसी का भी हो, कैसा भी उपाय, आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास पर निर्भर करता है। यदि आप में श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो किसी भी उपाय को आप कीजिए ही मत, ऐसे किसी उपाय को सुनिए ही मत, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें लॉजिक नहीं चलता, जो तर्कातीत है, जो आपके तर्क की सीमाओं से परे है, ये तर्क नहीं है, विज्ञान से परे है, इसलिए अध्यात्म विज्ञान से परे है, इसलिए इसमें तर्क नहीं चलते। तो तर्क बुद्धि देती है, तो आप इसमें सोचे नहीं, श्रद्धा से काम करें, श्रद्धेय मानकर किसी को आप काम करें। गुरु जो आपका हो, जो कोई जहां कहीं भी आप सुने उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उपाय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी देवताओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इस तरह से यदि आप श्रद्धा का भाव लेकर के ये काम करते हैं तो कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो काम नहीं करता है। मित्रों मंत्र यंत्र तंत्र आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं, कमी है तो हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में और हमारी नियमावली को फॉलो करने। तो ये कुछ बातें जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई बताता नहीं, कोई करता नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि इन चीज़ों को आप करते हैं, इन नियमों को आप फॉलो करते हैं तो निस्संदेह आपको भगवान सफलता देंगे। जय श्री कृष्ण। मित्रों अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।